नगर को 24 घंटे जल प्रदान करने के लिए नगर पालिका के द्वारा दो नल जल आवर्धन योजनाएं यहाँ चलाई जा रही है, बावजूद इसके कि नगर के कुछ इलाकों में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में नगरवासियों को अब भी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इधर बूढ़ी फिल्टर प्लांट और नदी किनारे बनाए गए पुराने इंटेक मिल में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, विभिन्न क्षेत्रों से आए इन दिनों आ रही समस्या, पेयजल की समस्या को लेकर पद्मेश 24/7 की टीम ने वहां जाकर जायजा लिया। विभिन्न क्षेत्रों से आए दिनों सामने आ रही पेयजल की समस्या को लेकर पद्मेश 24/7 की टीम जब मंगलवार को जब बूढ़ी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करने के लिए वहाँ पहुँची और वहाँ की व्यवस्थाएँ देखी तो निरीक्षण में भारी अव्यवस्थाएँ भी उन्हें देखने को मिली, जहाँ पर एक और नदी किनारे बनाए गए पुराने इंटकवेल के चूल्हे मलमा भरा हो जाने की उन्हें जानकारी मिली तो वहीं इंटकवेल की जाली भी टूटी होने का पता चला। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से खराब हुई 75 HP की वर्टिकल टर्वर्शन मोटर भी अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई तो वहीं फिल्टर प्लांट के किए गए निरीक्षण में पिछले 4 माह पूर्व खराब हुई 125 HP की मोटर अब तक नहीं बनने की भी जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि यदि इन दोनों मोटरों से कोई भी एक मोटर एन वक्त पर ख़राब हो गई तो पुराने फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई जिन इलाकों में जाती है उन इलाकों में पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। आपको यहां भी बता दें कि भले ही नगर पालिका के द्वारा दो जल आवर्धन योजना चलाई जा रही हो, बावजूद इसके कि अब भी सबसे ज़्यादा पानी की सप्लाई पुराने इंटकवेल और पुराने फिल्टर प्लांट से ही की जाती है। ऐसे में अचानक मोटर में खराबी आने या फिर इंटकवेल चूल्हा चौक हो जाने पर नगर के विभिन्न इलाकों में जल संकट गहरा सकता है। नदी का जो चूल्हा है नीचे का वो चौक हो गया है, इस कारण समस्या आ रही, पानी की लेवल लेके चला रहे हैं, तो बंद करके चालू करके लेवल लेके चला रहे हैं। जैसे कि अभी जो दो चूल्हे रहते हैं तो पहला चूल्हा कितने फीट में है? पहला चूल्हा ऊपर है पानी के लेवल में और दूसरा चूल्हा नदी का नीचे एकदम 12 फीट गहराई में, तो 12 फीट गहराई वाला चौक हो गया है। किस चीज़ से चौक हुआ है, क्या बता रहे कर्मचारी लोग? बाढ़ के कारण जो पत्थर उतर आके मलबा में आता है, बोल्डर आके चौक हो गया पूरा। जैसे अगर 5 दिन में पानी का लेवल अगर इससे कम होता है तो क्या ये मान सकते हैं कि पहला जो चूल्हा जिससे पानी सप्लाई हो रही है वो बंद हो जाएगी? अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि चूल्हा खुल जाए, काम चालू कर रहे हैं, नवरात्र बाद चालू हो जाएगा खुलने का काम, यानी दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत नहीं आएगी अगर खुल गया चूल्हा तो, और अगर नहीं खुल पाया तो दिक्कत जाएगी? दिक्कत जाएगी। वर्तमान समय में एक ही मोटर जो बनाने दिए थे वो अब तक नहीं बन पाई, क्या वजह लगती है उसकी? उधर ही अपना जान से भेज देते हैं, आप उधर ही इसकी बात जानते हैं, उधर ही ले। कब तक आएगी बोले बन के, ऐसा कुछ बताए क्या? 75 HP वाली वाइंडिंग करने की गई है अपनी सीपी इलेक्ट्रिकल, वहाँ से हो जाए काम, सुबह आ जाएगी। फिल्टर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 125 की मोटर बंद बता रही है, पंप खराब हो गया उसका। मोटर चालू है, पंप बंद, पंप खराब हो गया। 4 महीने का लंबा एक समय बीत गया, अब तक नहीं बन पाया, क्या वजह लगती है क्यों नहीं बन पा रहा है? वजह तो आपसे उधर